भारतीय थल सेना के लिए इन दिनों दुर्ग जिले में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में युवा दुर्ग पहुंच रहे हैं। दुर्ग पहुंचने वाले युवाओं में सेना में भर्ती के लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है। सेना के अधिकारियों द्वारा इन युवाओं की शारीरिक दक्षता के साथ ही लिखित परीक्षा भी ली जा रही है। देश की सेवा के जज्बे के साथ भर्ती रैली में पहुंच रहे इन युवाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा इनके ठहरने और भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। सेना में भर्ती के लिए आने वाले युवाओं की माने तो वे सभी सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरा ड्रीम यह है कि मैं अपना सपना पूरा साकार करने के लिए जैसे मेरा इंडियन आर्मी है सपना, तो जी मैं उसके लिए कड़ी मेहनत एवं मतलब अच्छे से तैयारी करके आया हूँ। उसके लिए करीब हम लोग को एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे रनिंग किए हैं। अच्छा, अपने तरफ से 100% दिए हैं, अपना मेहनत किए हैं, उससे मतलब अब यहाँ उसका प्रदर्शन करना है। किसी को ना हार मारना है ना कुछ मारना है, अपना पूरा इफेक्ट 100% अपना देना है और अपना ड्रीम अपने लक्ष्य को पाना है। यहाँ सर मैं आर्मी भर्ती दिलाने आया हूँ और आज मेरा भर्ती है और यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, खाना पीना यहाँ आने के बाद मिला है और यहाँ आराम के लिए पंडाल वंडा सब लगाए हैं। अपनी तैयारी पर विश्वास है जितने भी मैं तैयारी किया हूँ, और एक जुनून था बचपन से ही मेरे अंदर मुझ में कि आर्मी में जाना है, देश का सेवा करना है कह के हर पल। तो कल को डेट मिला है फिजिकल का मेरे को 5 तारीख को, तो आज यहाँ पर आया हूँ। मेरी भर्ती 1 तारीख को थी जो कि मैंने 88 नंबर का गुड मारा है और मुझे मेडिकल में रीमेडिकल मिला है कान में। भर्ती सही चल रही है, ग्राउंड भी यहाँ का सही है और टाइमिंग भी दे रहे, बस गैप नहीं रहना, नहीं तो रस्सी खींच देते गैप रहने से। उल्लेखनीय है कि दुर्ग में 13 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली के लिए करीब 70,000 आवेदन आए हैं।